हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश मामा पे स्वागत है। तो आज एक ऐसे टेबलेट के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि आपके डिसेंट्री की प्रॉब्लम या डायरिया की प्रॉब्लम को दूर करने में आपके लिए मददगार साबित होगा। बेसिकली आज हम बात करेंगे लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड IP यानी इंडियन फार्माकोपिया टेबलेट के बारे में। बने रहे वीडियो के आखिर तक ताकि संपूर्ण जानकारी आपको इस टेबलेट के बारे में मिल सके और आप कुछ अच्छा सीख सकें। तो नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपका अपना साथी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट लोपरामाइड टेबलेट 2 mg से। मैं इसको आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए कि ये टेबलेट देखने में कैसा होता है। तो कि आप देख सकते हैं लोपरामाइड 2 mg का टेबलेट देखने में कुछ इस तरह का होता है। हम बात करें इसके मार्केट वैल्यू की, तो करीब आपको 22 से लेकर 25 रुपए के बीच में 10 गोली का जो स्ट्रिप है आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि एक पेटेंट कंपनी के अंतर्गत आती है। यानी जो मेडिसिन है, रजिस्टर्ड मेडिसिन है, ये ओरिजिनल दवाएं होती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं उस पर्टिकुलर परेशानी की जहाँ जहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है, यानी क्रोनिक डायरिया की प्रॉब्लम है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम 2 से 3 दिनों से बनी हुई है, आपको लूज मोशन जो आने की प्रॉब्लम है वो लगातार बनी रहती है, या फिर आपको डिसेंट्री यानी पेचिस की प्रॉब्लम है, या अमीबिये पेचिस की प्रॉब्लम है जिसमें जो आपकी म्यूकस क्लियर होती है आपको स्टूल के थ्रू बाहर आ रही होती है, यानी आपको जो चिकनी लेटरिंग होने की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं बनी रहती हैं, आपको वोमिटिंग जैसा फील होता रहता है, तो इन सब कंडीशन में आप लोपरामाइड 2 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एक ऐसी प्रकार की दवा होती है जो आपके इंटेस्टाइनल पार्ट के मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती है, यानी आपके जो इंटेस्टाइनल पार्ट का मूवमेंट होता है स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यह दवा बेहतर रिस्पॉन्स करती है और आपकी जो भी डिसेंट्री या डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है वो जल्दी से ठीक हो जाती है। चलिए आप बात कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म की जो आपको कंज्यूम करना होगा। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो जो 2 mg का टेबलेट है दिन में 2 से लेकर 3 बार भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दिन में एक ही बार लगातार 1 से लेकर 1.5 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपको डिसेंट्री की प्रॉब्लम या फिर बार बार लेटरिंग आने की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो अक्सर केसेस में देखा गया है कि इसका साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, यानी जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपको स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो जाए, आपको नोजिया भी वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके शरीर में कुछ चकत्ते दाने जैसे पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल सकता है इस दवा का। तो कभी भी लोपरामाइड टेबलेट का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए ताकि आपको सही डोज और सही से प्रिकॉशंस जो हैं इसके लिए वो बताया जा सके और आपका आप सही इस्तेमाल कर सकें, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके और आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखाई ना दे। अगर आप चाहें तो इन सब टेबलेट के साथ कुछ और प्रकार के टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मेट्रिंडाजोल 400 mg का टेबलेट हो, चाहे फिर नॉरफ्लॉक्सिन TZ का टेबलेट हो, यानी नॉरफ्लॉक्सिन ट्रिनिडाजोल का टेबलेट हो, या फिर अगर आप चाहें तो इसके साथ एंट्रोक्विनाइल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके डायरिया या डिसेंट्री की प्रॉब्लम में आपको हेल्पफुल साबित होगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है रिड्यूस होती हुई नज़र आएंगी। तो अगर आपको डायरिया डिसेंट्री की प्रॉब्लम है यानी पेचिस या दस्त की प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो 2 mg का टेबलेट है उसको लेकर आए, इस्तेमाल करें, आपको बेनिफिट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये रही आज हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, छोटी सी ही लेकिन यूजफुल वीडियो लोपरामाइड टेबलेट के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इस वीडियो में बताया गया है आपको समझ में आया होगा। इसकी एक खास बात है कि अगर आप कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो आपको 2 से लेकर 2.5 घंटे में रिस्पॉन्स करेगा। अगर यही टेबलेट आप अगर ओरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टेबलेट का इफेक्ट आपको 20 मिनट में नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो परेशानियाँ हैं जल्दी से ठीक होने में आपको हेल्पफुल साबित करेगा टेबलेट या फिर जो भी इंजेक्शन आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपका अपना साथी अगली वीडियो में आपको कुछ इसी तरह की और नॉलेजेबल जो भी जानकारियां होंगी प्रोवाइड करूंगा और आपके जो लाइफ है उसको ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी मदद करता रहूंगा। तो हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक बताए गए टेबलेट का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।